आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको दुर्लभ पंचमुखी एकमुखी रुद्राक्ष, जो दुर्लभ है और जो दुकानों में मिलता है वो नकली है, भद्राक्ष है वो। रुद्राक्ष और भद्राक्ष में बहुत सारा अंतर होता है और देख सकते हैं ये रुद्राक्ष एकमुखी रुद्राक्ष यहाँ पर देख सकते हैं उसका रखना है। ये देख सकते हैं किस प्रकार दिखा रहे हैं, यहाँ पर ओरिजिनल रुद्राक्ष है देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सिक्का रख कर उसमें उसका परीक्षण कर रहे हैं, देख सकते हैं। देख ये देख लीजिए ये रुद्राक्ष का ओरिजिनलिटी किस प्रकार, ये देख लीजिए घूमता है जी। क्या ले रुद्राक्ष? अच्छा, ये जड़ी 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 के जड़ी है, बेल यहाँ का बेल है भाई। ये देखिए दोस्तों, यह जड़ी हम किस पूछते हैं, किस चीज़ का है ये जड़ी, किस चीज़ का है और किस काम में आता है, बाद वाले मतलब किस चीज़ का जड़ी है, क्या चीज वाला है? जटा नाम है इसका, नाम जटा जड़ी है और यह जटा जड़ी बात के रूप में, बात बीमार जो व्यक्ति है उसके लिए उपयोग में किया जाता है। इसको कैसा लगाया जाता है? इसको चूर्ण बनाने से, किसी भी चूर्ण बना कर इसे एक गिलास पानी में डुबा कर इसे, क्या चीज़ के जड़ी नाम क्या है छोटू इसका? कोहम, इसे कोहम जड़ी कौन है यार, बड़े जड़ी। ये क्या काम आता है? शुगर का, ये एक काहे का है? महाजर। क्या काम आता है? गर्मी ज्यादा है तो कर, इसको महाजर बोलता है। जिसके शरीर में ज्यादा गर्मी होने से, इसको कुट पीस के पिलाए जाने से इसे शरीर का गर्मी शांत होता है। और ये छेवारी दवा, छेवारी दवा बोले जाते हैं, जिसे बच्चे होते हैं बेटी के समय, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में काम आता है, यह काम आता है। काहे का, काहे का है? केटिंग जड़ी बोला जाता है दोस्तों। देखिए आयुर्वेद में सभी प्रकार का इलाज है, यह आयुर्वेद में सभी प्रकार का इलाज है, हमारे गौतमी धाम में उपलब्ध है। तो आइए देखिए ये सभी जड़, ये चूर्ण, क्या चूर्ण है? शुगर के, क्या का चूर्ण है? शुगर के कोहम और पैथम मिले हैं दवाई, इसमें कोहम जड़ी मिला हुआ है, अजगम अजगम केवटिन वगैरह मिला हुआ है, या शुगर का चूर्ण है दोस्तों। ये देखिए शुगर वालों के लिए उपलब्ध है, यहाँ गिरौदपुरी धाम में आयुर्वेद में हर प्रकार का इलाज यहाँ है दोस्तों। चलो इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद छोटू। ये क्या चीज़ का है? शुगर की, ये भी शुगर का? हाँ, कई थे मिले चूर्ण। अच्छा अच्छा, रहने दो। ये क्या चीज है? चंदन, ये चंदन है दोस्तों, सफेद चंदन जिसे बाबा जी ने यूज किया हुआ है, यही चंदन से बाबा जी ने अपने तिलक लगाते हैं, इसे सफेद चंदन कहा जाता है। हमारे गिरौदपुरी धाम में उपलब्ध कीजिए और इससे कंठी और कई प्रकार का औषधि भी बनाया जाता है दोस्तों। हमारे गिरौदपुरी धाम में सभी प्रकार का औषधि मिलता है। चलो दोस्तों, इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद छोटू।